क्या दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह मर गया है? क्या सनकी तानाशाह को वायरस बम ने ढेर कर दिया? किम जोंग की मौत की मिस्ट्री से कब उठेगा पर्दा? किम के बाद उत्तर कोरिया का नया तानाशाह कौन? खत्म हो जाएगा तानाशाह का रहस्यमयी संसार। कोरोना काल में किम जोंग जिंदा या मुर्दा? नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेहत को लेकर बना रहस्य कम होने का नाम नहीं ले रहा, जो आए दिन परमाणु हमले की धमकी देकर दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों को डराता रहता है। वो किम जोंग पिछले दो हफ्तों से कैमरे के सामने नहीं आया। क्या किम जोंग बीमार है? कहीं उस पर भी कोरोना वायरस का साया तो नहीं आ गया? ये सवाल और सस्पेंस बढ़ा रहे हैं और दुनिया के कई देश हर दिन किम जोंग पर नए नए खुलासे कर रहे हैं। कहां गायब है दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह? क्या किम जोंग को हो गया कोरोना? किम की सेहत पर कई देशों के अलग अलग खुलासे। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो सबसे रहस्यमय मुल्क है जहां की चार दीवारी से कोई भी खुफिया जानकारी निकालना असंभव है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन इस बीच नॉर्थ कोरिया में क्या चल रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तबीयत को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि किम जोंग को कोरोना हो गया, तो कोई कह रहा है कि वो गंभीर रूप से बीमार है और कोमा में चले गए हैं, तो कोई किम जोंग की मौत का दावा कर रहा है। लेकिन पिछले दो हफ्तों से ज्यादा वक्त से किम जोंग का कैमरे पर ना दिखाई देना ये जरूर इशारा कर रहा है कि किम जोंग के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दरअसल उत्तर कोरिया के 36 साल के तानाशाह किम जोंग की सेहत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शनिवार देर रात हांगकांग के एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग की मौत हो चुकी है। वहीं जापान की एक वीकली मैगजीन ने दावा किया है कि किम जोंग का ब्रेन डेड हो गया है और वो कोमा में चला गया है। तो वहीं साउथ कोरिया की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हार्ट सर्जरी के बाद किम स्वस्थ है और रिजॉर्ट में घूम रही हैं। उधर चीन ने भी किम के स्वास्थ्य को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कई तरह की अटकलों के बीच डॉक्टर्स की एक टीम उत्तर कोरिया भेजी है। हैरानी की बात तो ये है कि चीन में तो किम की मौत के मैसेज तक वायरल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मैसेजिंग ऐप वीबो पर किम की मौत की खबरों की पोस्ट वायरल हो रही है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया समेत दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में अलग तरह की बात कही जा रही है। वो ये कि किम अपनी लग्जरी बीच रिजॉर्ट पर है और वह अपनी निजी ट्रेन और बेहद चुनिंदा स्टाफ के साथ रिजॉर्ट पहुंचा। किम जोंग को वहां कई लोगों ने टहलते देखा। बताया जा रहा है कि पियोंगयांग में तानाशाह किम जोंग के कुछ करीबी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उसने कुछ दिन के लिए राजधानी छोड़ने का फैसला किया। किम जोंग की सेहत को लेकर अटकल लगाई जा रही है, लेकिन तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। किम जोंग उनकी सेहत को लेकर एक तरफ बना रहस्य बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अपने जुल्म और सितम की वजह से किम जोंग उन उत्तर कोरिया में दहशत का दूसरा नाम बन गया है। अपने फूफा की बेरहमी से हत्या करवाई किम जोंग। फूफा को शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया। और आपको यह भी यहां पर जानना जरूरी है कि फूफा ने ही सिखाई थी सियासत की बारीकियां किम जोंग उनको, जिसके साथ इतना निर्दयी सलूक किया गया। जहर देकर बुआ की हत्या करवाने का भी आरोप है किम जोंग पर। झपकी लेने पर सेना प्रमुख को तोप से उड़वाया।
सेना प्रमुख ह्योंग योंग ने मीटिंग के दौरान झपकी ली थी, जिसके बाद इतनी बड़ी और इतनी निर्दयी सजा दी गई। पिता की मौत पर जनता को रोने का आदेश दिया किम जोंग उन ने, जिन्होंने शोक नहीं मनाया उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। तो कोई नहीं जानता कि किम जोंग की तबीयत कैसी है सिवाय चीन के। किम जोंग उन की सेहत बिगड़ी तो उत्तर कोरिया के दोस्त चीन ने एक मेडिकल टीम भेज दी। चीन ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया जब तानाशाह की सेहत नाजुक होने की आशंका जताई जा रही है। सन की तानाशाह पर किलर वायरस का कब्जा। बमबाज तानाशाह पर कोरोना का भीषण अटैक। खूंखार किम जोंग की बीमारी पर गहराया रहस्य। चीन ने नॉर्थ कोरिया भेजी अपने डॉक्टरों की टीम। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेहत को लेकर बना रहस्य कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बीमार होने की खबरों के बीच चीन से डॉक्टर्स की एक टीम कोरिया भेजी गई है। रॉयटर्स के मुताबिक ये टीम किम जोंग उनको सलाह देने के लिए भेजी गई है। बताया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल लॉयजन डिपार्टमेंट के एक सीनियर सदस्य के नेतृत्व में बीजिंग से नॉर्थ कोरिया के लिए ये टीम गई है। हालांकि किम जोंग की सेहत ठीक है या नहीं इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें किम जोंग का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण लंबे समय से इलाज चल रहा था। पिछले दिनों ऐसी खबरें थी कि सर्जरी के बाद किम जोंग की सेहत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसे लेकर हाल ही में साउथ कोरिया और अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स में दो तरह के दावे किए गए थे। किम जोंग को लेकर बने रहस्य का सच क्या है, ये सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया। ट्रंप ने किसी मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन उन्होंने किम जोंग के स्वस्थ होने की कामना जरूर की। सवाल ये भी है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को लेकर कुछ छिपा तो नहीं रहे। हालांकि किम की बीमारी को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में हवाला भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ही दिया गया था। These are reports that came out, and we don't know. We don't know. I've had a very good relationship with him. I wouldn't, I can only say this. I wish him well, because if he is in the kind of condition that the reports say, that the news is saying, that would be a, that's a very serious condition, as you know. But I wish him well. आपको बता दें किम जोंग को आखिरी बार 12 अप्रैल को देखा गया था। इतना ही नहीं, 15 अप्रैल को वे अपने दादाजी और नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम उल सुंग के जन्मदिन पर हुए भव्य समारोह में भी नजर नहीं आए थे। इसी बीच अगर 36 साल के किम जोंग उनकी मौत हो जाती है तो फिर उत्तर कोरिया के सत्ता संभालने की कतार में उनकी बहन किम यो जोंग खड़ी है। ऐसी संभावना है कि दुनिया के सबसे क्रूर शासक किम जोंग की रहस्यमय मौत होती है तो किम यो जोंग ही उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह बनेगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो किम यो जोंग अपने भाई से भी ज्यादा खूंखार और निर्दयी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।